अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे और MSP की गारंटी नहीं देंगे तो हम यहाँ से नहीं हटने वाले, साफ साफ कह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये लोगों को जो कांग्रेस है और दूसरी पार्टी है वो फंडिंग कर रही है। मुझे एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे फंड ले रहे हो, जहाँ पे पैसा ले रहे हो किसान कांग्रेस से कोई और पार्टी से, मुझे वीडियो दिखा दे। वहाँ पे हम बंगाल गए, वहाँ पर भी हमारी जीत हुई, ऐसे ही अब UP में भी होगी, फिर पूरे देश में होगी। अच्छा। अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो ये गद्दी वापस करेंगे। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो आप पे तो आरोप लगाते हैं ना ये सब चीज का। हाँ जी, वो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, अंधे हैं वो। वो तो उनको तो बस मोदी मोदी दिखता है, जो मोदी के खिलाफ बोले हम तो उसको बोलेंगे। अब हमने BJP को इतनी बार लाए हैं, अब कोई नया टेस्ट ले लो, अब कोई नया लाओ। देना चाह रहे हैं कि आप अगर संसद में सही फैसले नहीं करोगे तो किसानों को अपनी संसद खोलनी पड़ेगी। तो किसान संसद तो खोल चुके हैं, स्पीकर भी बैठा चुके हैं, तो क्या जो दूसरा स्पीकर बैठे हुए हैं क्या उनको सुन रहे हैं, क्या वो किसान की बात मानेंगे आने वाले वक्त में? जरूर मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम तो यहाँ पे ही बैठे रहेंगे, कर लो जो कर सकते, हम तो यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे और MSP की गारंटी नहीं देंगे तो हम यहाँ से नहीं हटने वाले, साफ साफ कह रहा हूँ मैं। क्यों, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आंदोलन नहीं करना है? क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है, कहीं भी बैठ जाओ, फोन लो, बुक्स पास रखते ही है, बुक्स को अपने साथ रखो, लगाया फोन, क्लास ली, बुक से जो भी पढ़ाई करनी है करी, जो कॉपी में लिखना है लिखा, बस अपना काम करो। आपने आपदा को अवसर बना दिया है। हाँ जी, तो आपदा की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई कर दी गई, इसको आपने अवसर ले लिया है। बिल्कुल कर दिया है। अगर इतना अच्छा है, अगर हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं तो लेंगे। अच्छा, किसान बार बार ये कहते हैं कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, 24 तक बैठेंगे। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा 24 तक? कुछ नहीं होगा, किसान अपने हकों की सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। ठीक है, अगर एक किसान जाएगा ना तो चार आएंगे, अगर एक अपना खेत पे जाता है तो उसके उधर गाँव से चार आएंगे लोग। आप अभी से जुड़ चुके हैं, मतलब आप छोटे हैं जिसे बचपन लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये लोगों को जो कांग्रेस है और दूसरी पार्टी है वो फंडिंग कर रही है। हाँ। इसमें आपका क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? देखिए, फंडिंग देखिए कुछ नहीं है। अगर वो यहाँ पे आके देखें, मुझे एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे फंड ले रहे हो, जहाँ पे पैसा ले रहे हो किसान कांग्रेस से कोई और पार्टी से, मुझे वीडियो दिखा दे। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो आप पे तो आरोप लगाते हैं ना ये सब चीज का। हाँ जी, वो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, अंधे हैं वो। वो तो उनको तो बस मोदी मोदी दिखता है, जो मोदी के खिलाफ बोले हम तो उसको बोलेंगे। अंधभक्त पता है किसको कहते हैं? पता है क्या होता है? जो अंधा हो जाता है, बस उसको तो जिसकी भक्ति कर रहा है वही दिखता है। किसी की भक्ति में अंधा हो जाए वो अंधभक्त। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, योगी जी कह रहे हैं कि अब तो उड़ जाओ, चुनाव आने वाले हैं। हम नहीं उड़ने वाले, तुम कुछ भी कर लो। हाँ। तुमने इतनी कोशिशें कर ली इस आंदोलन को उजाड़ने के लिए, यहाँ से नहीं हटेगा किसान। अब तो कह रहे लखनऊ जाने के लिए, जा रहे हो क्या? जाएंगे, राकेश टिकैत जी होके भी आ गए। हाँ। और वहाँ पर भी एक लगेगा हमारा, वहाँ पर भी आंदोलन स्थल होगा एक, वहाँ पर भी अच्छा रहेगा, उधर भी एक, जैसे ये गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर भी ऐसे एक या सारे बॉर्डर जैसे हैं वैसे लगाया जाएगा। अच्छा, राकेश टिकैत जी कहते हैं कि दवाई डोज देनी पड़ेगी। हाँ। तो किस तरह का डोज देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? डोज तो देखिए, जो चुनावों में इनको पता लगेगा, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना तो सबको पता लग जाएगा कि हमारी क्या डोज थी। अच्छा, गोदी मीडिया जो बोलते हैं लोग, गोदी मीडिया, वो आपके बारे में जो दिखा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे देखिए, किसी दुनिया की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया क्यों नाम दिया गया आपको पता है? पता है, क्योंकि वो गोद लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के। बिल्कुल, जो जिसको सारा कुछ वही संभालता है, जिसके जो गोद लेता है उसको वही सारा कुछ संभालता है। देखिए, राकेश टिकैत जी भी एक किसान है,
और ये सारे किसान देते हैं, जितने भी यहाँ पे किसान है ना, सारे किसान देते हैं, इसलिए ऐसे ना कहा जाए। वो भी हमारे साथ है, वो भी अपने बस हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस वो है कि थोड़ा दौरे करते हैं, जगहों पे जाते हैं। और मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1,00,000 किलोमीटर चला हमने यात्रा करी, मैंने आपको इंटरव्यू में बताया हुआ है, और साथ जो जितने भी देख रहे हैं उनको पता भी है। अच्छा, यहाँ 90 साल के बूढ़े आ गए, 100 साल के भी हैं, जवान भी है, और आप छोटे हैं, तो क्या आपकी टुकड़ी भी आने वाली है जो आप छोटे छोटे हैं? बिल्कुल, अब एक जो पीढ़ी आएगी उसको भी पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और एक टीम होगी बच्चों की तैयार। अच्छा, एक मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि वो 12 साल का जो 8 साल का बच्चा है उनको MSP और कानून के बारे में क्या पता, जो वहाँ जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे सब पता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए, जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, और जो दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर है, और जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। ठीक है, अब मैं कानून बताऊंगा तीनों, और सब तीनों के पॉइंट। पहले मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा, BJP की एक पॉलिटिशियन है, उसने क्लियर करके कहा कि कानून के बारे में इसमें काला क्या है किसान खुद बता दे, अगर आप उनको खुद बता देंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसान का बच्चा बताए। हाँ, तो क्या हो गया, मैं भी एक किसान हूँ ना। हाँ, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पर बीच में कोई भी, जितने भी पत्रकार हैं यहाँ पे, कोई भी टोकेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलिए, बिल्कुल भी नहीं टोकना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, अभी मैंने आपको सारे कानून गिना दिए, अब इनके पॉइंट गिना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कानून था मंडी को लेकर। अब देखिए, इन्होंने कहा है ऑल ओवर इंडिया में तुम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो, जहाँ पे अच्छी रेट मिले। ठीक है, इसलिए अब ये वो किसान जो है वो पहले, सबसे पहले गाड़ी करेगा किराए पे, फिर रास्ते में उसको डीजल देगा, डीजल भरवाएगा उसका खर्चा, फिर रास्ते में टोल देगा। ठीक है, और उसका इतना तो खर्चा हो जाएगा जितना उसका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और MSP की गारंटी दी जाए, जिससे अच्छे सही रेट मिलेंगे, जो तय रेट है उस पर मिलेगा। और अगर देखिए, ये देखिए, जो वो बेचारा, उसको शहर का रास्ता अच्छे से पता नहीं होता, वो कहाँ घूमता फिरेगा कि कहाँ पे अच्छी रेट मिल रही है। अब सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या लो? मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना, पूरे कानून बता रहा हूँ, टोकिए मत अब बीच में। अब आप कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, पहले मेरी बात पूरी होगी। ठीक है, अब दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज देखिए, पहले एक लिमिट थी कि इतना आप स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब कहते हैं कि आप जितना मर्जी जाए स्टोर कर सकते हैं, ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा सारी फसल स्टोर कर ले। तो ये किसके पास है इतना पैसा? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। वो जब सारे गोदामों में स्टोर कर लेंगे, वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहें बंद करेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। जैसे शैम्पू के पैकेटों में मिलता है ना, वो शैम्पू 1-1 रुपए का 2-2 रुपए का, ऐसे बिकेगा फिर आटा, ऐसे बिकेगी चीजें किसान की उगाई हुई। अब देखिए, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताता हूँ। अब जो कंपनी है और एक जैसे किसान है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा एक, और उस जो कागज होगा उसमें लिखा होगा कि जो आपकी रेट की, जो फसल की आपकी रेट तय है उस पे आपको मिलेगा, आपकी फसल बेचेंगे उस पे मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, ठीक है, या तो फिर वो मंडी में भटकता रहेगा कि भाई मुझे कहीं रेट 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 चाहिए, रेट चाहिए मुझे अच्छी। ठीक है, तो उसको ज़बरदस्ती फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब जिसको नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इसलिए जो MSP की गारंटी है वो मिलनी चाहिए, जिससे अगर वो मंडी में बेचने जाएगा तो फिर उसको आसानी होगी, उसको भी पता लग जाएगा, वो भी सहमत रहेगा, वो भी खुश रहेगा कि मुझे मेरी फसल की रेट तय मिलेगी। ये सारा। हाँ जी, अब बोलिए क्या बोलना है? स्टॉक, स्टॉक शेयर मार्केट, स्टॉक किसानों का, अनलिमिटेड स्टोरेज, जमा, अनलिमिटेड भंडारण, वो बता दो, वो मैंने अभी आपको बता तो दिया ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है इलेक्शन को लेकर, हाँ, तो क्या किसानों का असर उस पर पड़ेगा इलेक्शन में?
देखिए जैसे बंगाल में पढ़ा, मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ सुजानगढ़ गया था, वहाँ पे पूरा विरोध रहा है मेरा अपने पिताश्री के साथ, वहाँ पे हमारी पूरी टीम गई थी और वहाँ पे हमारी जीत हुई। ऐसे ही बंगाल भी गए थे हम, और उसमें हम जब दूरी की जब दूर जाना होता है तो हम पहले हम जब पास के एरिया होते हैं उसमें गाड़ी यूज करते हैं। अगर जैसे अभी हमें बंगाल गए थे तो हमने फ्लाइट का यूज करा, फ्लाइट से गए थे। ऐसे दूरी होती है जो दूर की होती है उससे फ्लाइट से जाते हैं। वहाँ पे हम बंगाल गए, वहाँ पर भी हमारी जीत हुई। ऐसे ही अब यूपी में भी होगी, फिर पूरे देश में होगी। अच्छा। अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो ये गद्दी वापस करेंगे। आपके बारे में लोग बोलने लगे हैं कि आपका ब्रेन वॉश किया गया, सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं, यानी आपके पेरेंट्स या जो भी हो आपको ये ज्ञान देते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। देखिए कोई जहर नहीं खोल रहे, ठीक है, जो सच है उसको सच कहा जाएगा, जो सही है वो सही कहा जाएगा, गलत को गलत ही कहेंगे हम किसान, जो सही है उसको सही कहा जाएगा। अगर ऐसे आप आरोप लगाओगे तो फिर नहीं चलने वाला। तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं। हाँ तो आगे भी करते रहेंगे, अगर कोई गलत कानून बनेगा, अगर कोई गलत चीज होगी तो पूरा आंदोलन होगा। अच्छा आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि उनकी सरकार हो, मुख्यमंत्री किसानों का हो? देखिए अभी तो नहीं कहता कि मैं अभी लड़ूं, मैं कहता हूँ एक पार्टी बना के रखी जाए, बाकी उनके हाथ में, किसानों के हाथ में, किसान नेताओं के हाथ में कि क्या करना है। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक पार्टी बना लो, मेरा सजेशन है, जितने भी किसान हैं, जो किसान जिनको आप किसान नेता कहते हैं जिन लोगों को, उनको मैं किसान कहूँगा, तो जितने भी किसान हैं वो फैसला कर लें कि क्या करना है। बाकी मेरा एक सजेशन है और मैंने पहले भी दिए हुए हैं सजेशन, तो उसमें मेरे हिसाब से तो किसान अपनी खेती करे, अपनी मौज में मस्त रहता है, किसान को राजनीति वाजनीति छोड़ो, अपना काम करो। बाकी अगर राजनीति में किसान नहीं आएंगे तो आप ऐसे आंदोलन नहीं करते रहेंगे ना? करेंगे, हमें जाओ जिन किस, अब मैं इन किसान है यहाँ पे बहुत सारे, इनसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ, राय ले लेते हैं इनकी। अब बताओ आप सब में से कितने चाहते हैं कि किसान लड़े चुनाव? हाथ खड़े कर दो जितने चाहते हैं। किसान के पास इतना पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है। नहीं फंड की चिंता छोड़िए, आप साफ साफ ये बताइए कि लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, इतना बताइए, फंड की चिंता मत लीजिए अपनी, पहले इतना बताइए। कोई नहीं है ना, देख लीजिए, सुन लिया आपने इन लोगों का, अब बताइए कौन चाहता है कि ये ना लड़े चुनाव, नहीं लड़ना, अब हाथ खड़े कर दे वो। अगर देखो आपको चुनाव नहीं लड़ना है, किसानों को नहीं लड़ना, पार्टी नहीं बनानी है, तो हाथ खड़ा करो। हाँ। नहीं किया, फिर सपोर्ट होगा आप लोग। नहीं मतलब ये किसान जो है इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते, तो सिर्फ आप लोग वोट ही करेंगे। हाँ। ये सोच और हम करें। ये जो किसान है ये करेंगे, बस बीजेपी को वोट ना दे। लेकिन आपके लिए जो सरकार आएगी तो आप किसी सरकार से खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई कानून लाता रहेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर आंदोलन? देखिए जो भी गलत करेगा उसका विरोध तो होगा। अब हमने बीजेपी को इतनी बार लाए हैं, अब कोई नया टेस्ट ले लो, अब कोई नया लाओ, सवाल फिर वही रहेगा। देखिए नया, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा और अब भी कहूँगा और कहता रहूंगा कि भाई ये सारे किसान जो हैं ये फैसला करेंगे, ठीक है, मैं कुछ फैसला ही नहीं कर रहा, मैं साफ साफ कह दिया मैं नहीं करूँगा। तो परलोक से नया मंत्री उतर के आएगा क्या? अरे यार तुम आप देखो, आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई नया क्वेश्चन लाया करो।